disrespect us, I'ma spark it, I'ma burn them. And I'll be searching, I'll be looking, I'ma burn them. And all these bridges that I'm building, I'ma burn them. Burn them, burn them. और मेरे प्यारे भाई ओके सर आप सब, अब आज मैं आप सबको ये सब चीज़ें बताऊंगा कि क्यों जो मेरी केडी है भाई 20, 22, 23, 24 की रहती है एंड मेरे को क्यों ऐसा करने में मज़ा आता है। और एक ऑफिशियल की तरफ से भी मेरे को नोटिस आ गई है कि यार आप हैकर हो, वो भी मेरे को हैकर बोलने लग गए हैं। वह आपको सारी चीज़ें आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। ऑफिशियल्स तक मेरे से पूछ रहे हैं कि तुम हैकर हो या फिर नहीं, आप सभी को ऑफिशियल्स का मैसेज भी दिखाऊंगा क्या आया मेरे को मैसेज एंड जितनी चीज़ें मैं आज क्लियर करूँगा, ठीक है, आप लोगों के सामने। तो रेडी रहो, और कुछ इतना सीरियस वीरियस बात नहीं है, बस ऐसी आप सभी को क्लियर करना मेरे एक तरह से सोच रहा हूँ मैं कि ऐसी चीज क्लियर होनी चाहिए तभी आपको मतलब थोड़ा अच्छा रहेगा। खैर अभी यहाँ पे कुछ बंदे आए हैं जिनको मारने वाले, और ये जो गेम प्ले है इसमें मैं 34 किल्स करने वाला हूँ। नॉर्मल सी बात है भाई, जब मैं खेलता हूँ मैं पूरा सीरियस खेलता हूँ, मज़े में नहीं खेलता मैं गेम प्ले। और गेम प्ले का मतलब यही होता है कि भाई जब आप ज़्यादा किल करो और बंदों को एंटरटेन कर दो ना, तो भाई अलग ही लेवल मज़ा आता है। खैर इस पीछे वाले ब्लू वाले घर में एक बंदा आ गया है और मुझे आवाज़ भी आ गई थी लेकिन इसको पता ही नहीं है मैं कहाँ हूँ। ऊपर ऊपर पूरा ट्रांसफर ऊपर ऊपर ही कहाँ से कहाँ मैं पहुँच गया इसको यही नहीं पता। खैर अभी आगे जो होगा वो देखते जाओ तुम्हें, और सारी चीज़ एक्सप्लेन भी करूँगा कि क्यों मतलब मेरी केडी इतनी हाई क्यों रहती है। खैर आगे कुछ बंदे बॉट्स को मार रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि साथ में उनके बॉट भी उतरे हुए थे। और यहाँ पे मेरे को अभी पूरे किल लेने की मतलब चुल देख रहा हूँ कितनी तेज़ी है, मतलब मैं रुकने का इंतज़ार भी नहीं कर रहा, मैं भागे ही जा रहा हूँ उनके पीछे क्योंकि यार किल चाहिए अपने को। और यही एक सबसे बड़ा रीज़न है जिस वजह से मेरी केडी इतनी हाई रहती है। मैं ये नहीं देखता कि बंदा कौन सा है कैसा है, मैं खुश जाता हूँ मारने एंड बाद में पता लगता है कि लो ये तो मैंने मार भी दिया। तो यस सबसे पहली चीज़ है कि किसी से डरना नहीं है, जो जाए तुम अपने पे भरोसा रखो ना, सामने लोगों तो तुम यूँ फोड़ दोगे जैसे मैंने इसे फोड़ दिया। तो बस साथ ही जब भी मैं गेम प्ले बना था तभी मैंने एक व्हाट्सएप चेक किया, और जैसे ही एंड होने लगता है गेम प्ले तो मेरे को एक व्हाट्सएप पे मैसेज आता है जो कि अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी या फिर कहीं पे भी डाल दूंगा, तो इंस्टाग्राम पे आपको लिंक दे दूंगा, चेक कर लेना क्या मेरे को मैसेज आया। और अगर मैं आपको मतलब इजी वे में समझाना चाहता हूँ तो वो मेरे को ऐसा बोल रहे थे कि आपको काफ़ी लोग हैकर बोल रहे थे, तो क्या ये सच है या गलत है। और ये जो रिप्लाई होगा मैं आगे आपको बताऊंगा कि मैंने उन्हें क्या रिप्लाई दिया, लेकिन उससे पहले जो काफ़ी सारे लोग मेरे को बोल रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, उन सभी को तो बहुत ढेर सारा प्यार, लव यू ऑल गाइज। एंड हेटर्स उनके लिए ये मोड गाइज, आज से अपना ये एक हेटर के लिए ये मोड रहेगा कुछ इस तरीके से, जितना रोकोगे उतना आग बबूला होके भड़क जाएंगे हम। और सेम चीज़ वही हो रहा है, आप लोगों ने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे को सौंप दी है कि #1 ये वो, पहली बात मैं इतना सोचा नहीं था, और आप लोगों को बहुत बहुत ढेर सारा प्यार जिन्होंने मेरे को इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब सौंप दी है। इसके बाद मैं जब अपनी केडी को मेंटेन करता हूँ तभी मेरे को समझ आता है कि यार देखो मैं भी मज़े में खेल सकता हूँ लेकिन अपनी केडी को मेंटेन क्यों कर रहा हूँ और ज़्यादा मैचेस क्यों नहीं खेलता। नॉर्मल सी बात है, हमारे गेम में पता है बहुत से बाहर कई बंदे मेरे को खेलते हैं देखते हैं, जैसे लेविन हो गया, सेवी हो गया, सबकी आईडी इंडियन वर्जन में भी है और वो लोग देखते हैं हमारी आईडीज़ को, तो इसलिए 1 का टाइटल अगर मिला है तो मैंने जानबूझ के कैरियर रिजल्ट भी खोला है कि जितने किल्स हों सब दिखे, 21, 25, 27, 28 देख लो 34 किल। अब मैं इसलिए खोल के रखता हूँ कि अगर वो मेरी आईडी चेक करते हैं तो पता लगना चाहिए कि भाई इंडिया के बंदे किसी से कम नहीं है। और सेम चीज़ सारी चीज़ें ओपनली दिखाता हूँ मैं कोई छुपाती चीज़ मतलब छुपाता उपाता नहीं हूँ, और इसीलिए जो मेरी केडी है अपने को टॉप पे रखनी है। और यहाँ पर डुओ में भी मैं वैसी केडी रखा हूँ, खैर हो सकता है आगे जाकर भले ही गिर जाए लेकिन इतनी भी नहीं गिरेगी कि बाहर के बंदे जो हैं वो हमें बोले
कि नहीं यार इंडिया वाले ऐसे नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि जो बंदे को पॉपुलैरिटीज देते हैं काफ़ी लोग नहीं देते, कोई बात नहीं आप लोगों का जो मर्जी करो, लेकिन इस चीज़ में मैं भाई एक चीज़ देखता हूँ भाई, जो बंदा पॉपुलैरिटीज दे रहा है ना, तो यहाँ पे भी आप लोग इंडिया को ही टॉप पे ला रहे हो, ना कि सिर्फ मेरे को ला रहे हो। काफ़ी सारे बंदे बाहर के आके हमारे गेम में खेलते हैं और वो वीपीएन लगा के खेलते हैं, तो उनको ये पता लग जाता है कि जो इंडिया है वो किसी से कम नहीं है। और इसीलिए मैं किसी को कभी टारगेट करके नहीं बोलता, मैं ये सोचता हूँ मान लो कल को मेरे से भी ऊपर कोई आता है, नॉर्मल सी बात है भाई, वो भी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है और इंडिया को टॉप पे रखना है, सबसे पहली बात ये मेरे दिमाग में आती है। और बस इसीलिए तुम्हारा भाई केडी ऐसे मेंटेन करता है कि सामने वाला जो बाहर के ही बंदे आके हमारे मान लो गेम को खेल रहे हैं, उनको ही पता लगना चाहिए कि हम किस लेवल पे मारते हैं बंदों को। और दूसरी चीज़ जो मेरे को पॉपुलैरिटीज देते हैं बंदे और जो डेलीज देते हैं, मतलब मैं देखता हूँ, उठ के देखता हूँ भाई, मतलब मैं डेली गेम खेलता हूँ ना, तो मैं डेली देखता हूँ, मतलब जो बंदा आज दे रहा है वो कल को भी देता है, फिर वो परसों भी देता है, चाहे वो थोड़ी सी दे पर देता ज़रूर है। तो इसमें मेरे को आप नहीं दे रहे पॉपुलैरिटीज, जैसे मैंने बताया कि अपने गेम को बाहर के बंदे बहुत ज़्यादा खेलते हैं वीपीएन से लगा के भी, क्योंकि ज़्यादातर ऑडियंस पबजी या बीजीएमआई दोनों ही खेलती है और ज़्यादातर ऑडियंस बीजीएमआई में आई थिंक ज़्यादा है, तो इस वजह से जो बाहर के बंदे हैं वो वीपीएन लगा के हमारी गेम को खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये दिखा देते हो पॉपुलैरिटी दे दे के सामने वाले बंदे यानी बाहर वाले बंदों को कि कहीं ना कहीं यार इंडिया को पीछे छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा ऐसी चीज़ों में। और यही चीज़ है जो कि आप लोगों ने मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, और अभी तक किसने देखा था कि मतलब जब पबजी चलता था तब वहाँ पे सबसे हाई जो पॉपुलैरिटी रैंकिंग थी वो थी करीब नॉर्मल से 200 या 300 या 400 मिलियन लास्ट देख लो, बट जैसे ये बीजीएमआई आया हमारी पॉपुलैरिटी रैंकिंग 1 पे आ तो गई है आप सभी के प्यार से, और साथ ही इतना बड़ा मतलब नंबर क्रिएट कर दिया आप लोगों ने, 600 मिलियन होने वाले गाइस आप सभी को पता है, और ये आई थिंक अपने इंडिया में अभी तक किसी ने भी नहीं किया था जो कि आप लोगों ने ये पॉसिबल कराया। और इसी वजह से तुम्हारा भाई मतलब अपने आप को, आप लोगों ने तो देखो अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, अपने तरफ से आप लोगों ने पूरा दबा के हर चीज़ें काम किए, वो हर चीज़ें करी हैं, लेकिन अब जो मेरा काम है लाइक अपनी रैंकिंग और केडी को मेंटेन करना, वो मैं कर रहा हूँ अपने तरफ से, यानी आप लोग अपना काम कर रहे हो मैं अपना काम कर रहा हूँ, इसी से कहते हैं मिलजुल के जो चलते हैं ना वही आगे जा पाते हैं, कोई अकेला नहीं जा सकता है। ये जो बंदे थे मेरे को जो मार रहे थे जिन्होंने नॉक किया था ना, वो बंदे वापस से रश कर जाते हैं और इनका एक बंदा मैं नीचे घूम रहा होता है, यार जितना मेरे को ज्ञान देना था मैंने दे दिया, और मैं ये नहीं चाहता कि भाई मैं एक बंदे को कभी नहीं देखता यार, और सिंपल सी बात है भाई इंडिया एक बार इंडिया ओपी इन द चैट गाइस, सब के सब चैट नहीं कमेंट्स में भर दो भाई, जो मन करता है इंडिया के बारे में दो लाइनें जरूर से लिखना नीचे कमेंट बॉक्स में। और रही बात अब मैंने उन कार्टून वालों का क्या रिप्लाई दिया जब मेरे को उन्होंने हैकर बोला, और सही में मैं तो अब एक चीज़ और बोलूँगा, मैं खेलूँगा उतना ही गंदा, मारूंगा उतना ही गंदा, और हेडशॉट फिर प्रैक्टिस भी उतनी गंदी तरीके से करूँगा, और अगर आईडी बैन होती है तो हो जाए भाई, मैं तो सीधे बोलता हूँ खेलूँगा उतना ही गंदा, चाहे न्यू आईडी बनाऊँ चाहे कुछ भी बनाऊँ, मारूँगा उतना ही गंदा जिस तरीके से, हेडशॉट फिर से भाई, हर चीज़ प्रैक्टिस करवाई देती है। और वो बंदा किस जगह बैठा था आपने देखा ना, अब हम उन पर रश कर देते हैं, और मैंने भी उनको यही रिप्लाई दिया कि यार पहली बात मैं iOS प्लेयर हूँ, एंड्रॉयड प्लेयर नहीं हूँ, जो कि एंड्रॉयड में काफ़ी सारी चीज़ें रूट वूट करके हैक वैक लगा लेते लोग, लेकिन एंड्रॉयड को छोड़ के एक iOS डिवाइस है जिसमें हम अपने मनमाही चीज मनमानी वाली चीज़ें कर ही नहीं सकते, यार इसको थोड़ा ट्रॉल करता हूँ, इसके बंदे का वेट करता हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि यार मेरे पे सारे गेम प्ले रिकॉर्ड है, तो मैंने उनको ये चीज़ एक बड़ा सा लेटर लिख के भेज दिया कि मेरे पास मतलब एक ऑफिशियल चैनल अपना नियोनिक्स पवन करके, अगर आपको भरोसा नहीं होता तो जाओ वहाँ पर चेक कर लो चैनल पे, सारे गेम प्लेस पड़े हैं। और दूसरी चीज़ें काफ़ी टाइम मैंने हैंडकैम भी रिकॉर्ड करके डाल रखे हैं, तो अगर फिर भी आपको भरोसा नहीं होता तो हैंडकैम जाके चेक कर लो, अगर आपको फिर भी भरोसा नहीं होता तो मेरे आईपैड में एक बार आप लोग अपना जो भी चीज़ यूज़ मैं करता हूँ, अगर लाइक आपके पास ऐसा कुछ ऐसा चीज़ है ऐप है या कुछ है तो मेरे आईपैड में इंस्टॉल कर लो, और एक बार चेक कर लो मेरे आईपैड में ऐसी क्या चीज़ है, लाइक वो भी चाहते नहीं हैं लेकिन वो मेरे से पूछ रहे हैं एक बार कि आपको सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं तो क्या ये गलत है या सही है, तो मैंने सिंपल बोला अब आप लोग क्यों पूछ रहे हो मेरे से ऐसा, क्योंकि आपके में ये चीज़ें मैं आपको इतनी चीज़ें बता दिया, फिर भी अगर आप मेरे से ये पूछते हो कि आप हैकर हो या नहीं तो ये कहीं ना कहीं वही बात हो जाएगी, सब चीज़ तो पता ही है फिर भी बिना बात के ड्रामे करने इनको। बट अब जितना रिप्लाई देना था मैंने तो रिप्लाई दे दिया, बाकी आप लोग बताओ कमेंट में कि आप मेरी जगह होते तो क्या करते, जब आपको कोई ऐसा हैकर वैकर बोलता, लैग देखो कितना हो रहा है भाई, बहुत गंदा लैग हो रहा था यार, मेरी जगह अगर आप होते तो क्या करते। और देखो मैं सही अपनी जगह रह के अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन तब तक ही कर पाता हूँ
जब तक मैं संभाल पाता उन चीज़ों को। लेकिन जब कोई बंदा ज़बरदस्ती की बात बार बार पूछता है, क्योंकि ये चीज़ों को मैं एक्सप्लेनेशन पहले भी दे चुका हूँ कि लो यार, अगर आपको मेरे पे भरोसा नहीं होता तो मेरी आईडी रखो और एक बार आप खुद खेल के देखो, और नहीं तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे आईपैड में ऐसा कुछ उल्टा सीधा चीज़ है तो मैं अपना आईपैड भी देने को रेडी हूँ। आप लोग चेक करो, एक्सेस करो मेरे आईपैड को, कुछ डालो ऐसी चीज़ें, एंटी चीट डालो या फिर कुछ भी डालो इस आईपैड में, बट एक बार चेक कर लो यार, क्योंकि ये बार बार का नहीं होता ना यार, बार बार कोई आपको ऐसा कुछ बोलते रहे, क्योंकि मेरी ऑडियंस मेरे को समझ सकी है। और मैं जानता हूँ मेरी ऑडियंस कभी भी किसी को हेट देने के लिए नहीं बनाई मैंने, सबको प्यार दो और सब एक साथ चलो, मैं तो यही बोलूँगा। और साथ ही एक बार गाइस, आप सभी के इस प्यार के लिए, अपने लिए एक बार ओपी स्पैम कर दो कमेंट बॉक्स में, जितने बंदे देख रहे हो अभी के टाइम तक देख रहे हो और गेम प्ले भी देखते रहो, कितने 34 किल किए, 34 किल्स, और यहीं का क्लच देख लो आप लोग, चलती गाड़ी से नॉक डाला एक को, दूसरा बंदा भी आया था मारने जिसको मैं चलती गाड़ी से नॉक डाल दिया, अब देखो क्या होता है। एक बंदा दूर से मार रहा है, मैं कवर लेने के लिए इधर आता हूँ, ये देखो, अब उसे हेड मारा, ये बंदा आगे मेरे देख रहा था, इसको भी हेड मारा, उसको भी हेड मारा, भाई साहब सब्सक्राइब वाला बटन गाइज आप सभी से दबना चाहिए आज, मैं फुल भूम्बा मचा दूँ गाइज आज, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं देखो जब मैं अपना पूरा स्टैंड कर रहा हूँ आप लोगों के सामने कि भाई मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खेलूंगा तो उतना ही गंदा, मैं मारूंगा तो उतना ही गंदा, अब आप लोगों पे डिपेंड है भाई, आप लोग क्या करते हो, बिना बात के बैन करोगे तो मैं गलत तो हूँ नहीं, मैं फिर से आवाज़ उठाऊंगा भाई कि नहीं भाई मैंने कुछ किया ही नहीं है तो आईडी क्यों बैन, कर लो भाई जो करना है, क्योंकि अपने पे ऑडियंस की पावर है, उनके पास है बस ये कि ऐसा ऐसा करता है ये, शायद उनको अभी पता भी नहीं ढंग से, तो इसीलिए मैंने बोलता है भाई मेरा चैनल है, हैंड कैम भी डाल रखा है मैंने काफ़ी टाइम, और आईपैड प्रो में खेलता हूँ 2021 में, जिसमें 90 FPS है, तो काफ़ी सारे लोगों को कवर में भी लग जाती है गोलियां क्योंकि 90 FPS के चक्कर में। अब देखो इसी को नहीं पता होगा, अभी जाकर रिपोर्ट मार देगा मेरे को, और इसी वजह से फिर क्राफ्टन वाले मेरे से पूछते हैं कि तुम हैकर हो क्या, अब बताओ भाई एक रिपोर्ट की बेसिस पे, आप देखो इनको जैसे मारूंगा मैं, चलती गाड़ी से एक बंदा नॉक डाल देता हूं मैं, दूसरे को डैमेज देता हूं, तीसरे में मैं गन चेंज करता हूं, अंदर घुसने नहीं देता इसे, तो अब यहां पे भी ये दोनों मेरे को रिपोर्ट मारेंगे भाई इसने चलती गाड़ी से मारा कैसे, अब फिर क्राफ्टन वाले मेरे से पूछेंगे, कोई बात नहीं गाइस पूछने दो, अपने पे हर एक चीज़ है और हर एक गेम प्ले भी रिकॉर्ड है मेरे पे, तो कोई कुछ नहीं कर सकता, अपना चिंता मत करो, करेगा तो भाई पूरे प्रूफ के साथ हम दिखा देंगे हमारे पास सब चीज़ें। करिए देखो, पहला बंदा नॉक, दूसरा बंदा नॉक, मैं सीधे चढ़ा ऊपर और मुझे पता नहीं था कि सामने बंदा है, मुझे लगा दो ही तो थे, लो कर दिया नॉक, मुझे दिख ही नहीं रहा था सही में बंदा, मैंने ध्यान नहीं दिया कि मेरे सामने ही बंदा है। यार गाइस अगर गेम प्ले में मज़ा आ रहा तो एक बार लाइक सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना, और अभी के टाइम पे करीब 23 केडी चल रही है, हो सकता है मैं अगले गेम में जाकर अगर मर भी जाता हूँ तो भी अपनी 20 से केडी तो नीचे जाने से रही, और अपने को रिप्रेजेंट करना अच्छे तरीके से। और मैं जानता हूँ काफ़ी सारे लोग अब देखो काफ़ी लोग मेरे को ये कंपेयर कर रहे हैं जोनाथन ये वो, तो पहली बात यार कि वो लोग कर रहे हैं रिप्रेजेंट अपने को और पूरे इंडिया को टॉप लेवल पे कह सकते हैं कॉम्पिटेटिव में, और कॉम्पिटेटिव में भाई ना के बराबर है, मेरी तो भाई भूल जाओ, मैं तो कभी खेल ही नहीं पाऊंगा उसमें। और ये देखो, तो उनसे कंपेयर करना मत, क्योंकि भाई नॉर्मल सी बात है यार, वो कॉम्पिटेटिव लेवल पे अपने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं एक नॉर्मल रैंकिंग के लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, केडी के लेवल पे, और बस यही चीज़ है ना। और कुछ लोग कॉन्कर लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये देखो यार ये बंदा कैंप कर रहा था, मुझे पता ही नहीं था यहाँ पे, मैं जस्ट घूमता हुआ गया कि सामने स्क्वाड हाउस में होगा बंदा, लेकिन बंदा तो मुँह पर निकला, स्पॉइलर मैन बोल रहा है। यार गाइस सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना अगर आप लोग मेरी बातों से एग्री हो, हर बंदा आप भी अपनी जगह पे किसी ना किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर ही रहे हो कहीं ना कहीं। यार यहाँ पे एक बंदा मेरे को दिख जाता है ऊपर घर पे चढ़ा हुआ, आवाज़ आती है इसकी मेरे को, लेकिन इसको यही नहीं पता कि मैं इसके साइड वाले घर पे चढ़ गया। सो एक बार लाइक कर देना गाइस, आगे भी ऐसे गेम प्लेस देखने के लिए सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो, और 850K पे अपना क्या करने वाले पता है ना, प्लेज रेवेल एक बार ऊपर स्पैम कर दो गाइस जितने बंदे हो, यार कुछ बंदे आखिरी के बच्चे हुए जो कि यहाँ होते हैं, ये कवर लेके मारने की कोशिश कर रहा था लेकिन हमने पकड़ लिया इसे, और अभी आगे देखते जाओ क्या क्या होने वाला है। अभी और बंदे ढूंढ रहे हैं क्योंकि सारे बंदे ओपन में, क्योंकि हमने पूरी पोचंकी पे कब्जा ले रखा है, किसी को घुसने नहीं दे रहे पोचंकी में, तो ये लोग ओपन में ही अब लेट गए हैं, हमको देख के ना ये लोग ओपन में लेट गए हैं। और कल एक बंदे ने मेरे को स्टोरी पे भी मेंशन किया था भाई क्या ही मैच, मतलब मेरे फ्रेंड में था एक बंदा, तो उसने मेरे को स्टोरी पे मेंशन किया कि यार क्या ही मैच था, मतलब सारा गेम प्ले उसने पूरा देखा, फुल रश गेम प्ले हमारा, और यहाँ पे वही मैसेज तब आ गया था मेरे को, मैं देख ही नहीं रहा यहाँ पे, इसको जब मारना था तो मैं एकदम शांति से क्यों बैठा था, क्योंकि भाई मेरे को क्राफ्टन का मैसेज आया था कि आपको लोग हैकर बोल रहे हैं, क्या ये बात सच है या गलत, अपने इंस्टा पे मैं डाल दूंगा, आप लोग खुद चेकआउट कर लेना ठीक है, वो वाला जो स्क्रीनशॉट होगा लिंक आपको इंस्टा के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा भाई। और लास्ट ये बंदा होता है, तो एक बार लाइक सब्सक्राइब कर दो, आप सभी से आपका प्यार और आपका भाई ऐसी दबा के मार देगा, लव यू ऑल गाइस बाय बाय, इंस्टा पे जरूर चेक कर लेना क्या मैसेज दिया उन्होंने मेरे को, लव यू ऑल गाइस बाय बाय, मिलते हैं आप सभी से किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, बाय बाय गाइस।